ആദ്യം ദാന വരുമെന്ന് സിക്കാമി धम्मपद गाथा कथा 127 या 127। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि धम्मपद की जो कथाएं हैं, स्टोरी हैं या कहानी हैं, वो बदली हुई हो सकती हैं, चमत्कार से भरी हुई हो सकती हैं और बुद्ध की वाणी से अलग हो सकती हैं, मगर उनका जो सार है या जो गाथा का सार है वो नहीं बदला है, वो बिल्कुल शुद्ध रूप में है। कहीं अगर कोई शब्द बदला भी है भाषा का वजह से या बाद में जो लोग जिन्होंने बदला है तो वो निकल के सामने आ जाता है, वो बताया जाता है। ये जो कथा है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें तीन काल्पनिक कथाएं हैं जो कल्पना के आधार पर हैं। कथाएं इसलिए बताई जाती हैं काल्पनिक ताकि सार को समझ में आ जाए और सार आपको याद रहे, इसलिए वो चटकुली मजेदार मसालेदार होती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं और बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति में चली जाती हैं, हाइपरबोल में चली जाती हैं। पहली गाथा है कि कुछ भिक्कों ने देखा कि एक गांव के अंदर आग लग गई है और उस गांव में मकान जलने लगे हैं धू धू करके, क्योंकि छप्पड़ के मकान होते थे, फूस के मकान होते थे, जल्दी आग पकड़ लेते थे, पेड़ पौधे होते थे तो और जल्दी आग पकड़ते थे, और जो वहां पे खरपतवार होता था जिसको जो दही का यानी जो धन्ने का गेहूं का या चावल का जो बाद में याव होता था उसकी वजह से भी। तो जब वो आग लगने लगी तो उन्होंने देखा कि एक कौवा जो दूर से आया और आके आग के अंदर चला गया, झुलस गया और मर गया, क्योंकि आग में जैसे ही पहुंचा उसके पंख जल गए और फिर वो मर गया। ये बात उन्हें बड़ी अजीब सी लगी कि कौवा क्यों आया और क्यों आग इसके अंदर चला गया। दूसरी उन्होंने देखी घटना कि कुछ भिक्कू नाव में सवार थे और आ रहे थे, तो नाव में सवार होके अचानक ही देखा कि नाव आगे नहीं बढ़ रही है। नाव आगे नहीं बढ़ रही है तो वहां कहा कि कोई ना कोई इसमें पन है, पन का मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो ठीक व्यक्ति नहीं है, जिसको पनौती बोलते हैं, पंती बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो मन से शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है, जिसके कारण से नाव रुक गई है, अब आगे नहीं बढ़ी है, या तो डूब जाएगी और या फिर यही खड़ी रहेगी। तो ये तय हुआ कि भाई कौन है इसमें ऐसा जो मनहूस है, कौन है ऐसा जो खराब मन का है, वो ढूंढा गया तो पता चला कि हर बार लोगों का जो निगाह है वो जो नाव का मालिक है, नौका का मालिक है, उसकी पत्नी पे गया। अब नौका के मालिक ने कहा कि इसको जो पत्नी है मेरी, इसको पत्थर से बांध के और नीचे जमीन में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, ये डूब जाएगी, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। और जैसे ही उन्होंने उसको पत्थर से बांध के फेंका तो वो नाव द्वारा चल पड़ी। तीसरा इसके अंदर है कि कुछ लोग थे, उन्होंने एक दरार में, एक पत्थर की जो दरार होती है, दर्रा होता है, उसके अंदर एक छिपकली का घर था और उस छिपकली के घर को लकड़ी से बंद कर दिया और भूल गए। 7 दिन बाद उनको याद आया कि वहां हम छिपकली को बंद करके आए थे। 7 दिन बाद आकर उन्होंने वो दर्रा खोला तो छिपकली अपना खाना पीने के लिए गई। कुछ समय बाद राजा ने उन लोगों को जिन्होंने वो दर्रा पकड़ा था उनको किसी और अपराध में पकड़ा और 7 दिन तक उनको ताले में बंद करके रखा। ये 3 काल्पनिक कथाएं हैं बेसिकली, इनका जो सार है यहाँ जो गाथा है उससे तो कोई लेना देना है नहीं, मगर सुनाने के लिए और बताने के लिए ये कहानियां बनाई जाती हैं बेसिकली, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो कथाएं और गाथाएं उनमें कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार के लिए तो स्पष्ट रूप से मना किया हुआ है। अगर कोई भिक्कू गलती से कहीं चमत्कार का जिक्र कर दे या चमत्कार बता दे या चमत्कार दिखाने की कोशिश करे तो उसको सीधे सीधे भिक्कू संघ से निकाल देते थे, यानी पाराजिक अपराध है ये 4th नंबर का। तो इसलिए ये सपने की बात है कि कोई चमत्कार किसी कहानी में कोई भिक्कू करे, ये अगर वो देख रहा है तो वो क्या चीज है क्या नहीं है, घटना पर आधारित तो उसका विश्लेषण हो सकता है मगर कर नहीं सकता। इसलिए चमत्कारों की घटना जितनी भी आती है वो काल्पनिक है और वो ये बताने के लिए है ताकि कथा आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको याद रहे और वो गाथा आपको याद हो जाए कि ये गाथा किससे संबंधित है। अब ये जो कथाएं हैं ये इसलिए बताई जाती हैं ताकि जो मंद बुद्धि है, जो बाल बुद्धि है, जो छोटी बुद्धि का है, जो दिमाग पे जोर नहीं डालता, वो भी इस बात को समझ ले और इस बात को अनुभव कर ले। अब ये जो कथा है और गाथा है ये बेसिकली है क्या, इसको सुने। ने अंत लिखे ने समुद्र मच्छे ने पब्बतानंग विवरंग पविष्य ने विज्जति सो जगति पदेशो यत्त दिट्ठो मुच्चे पाप तम्मा।
यानी कि नए अंत लिखे माने ना तो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष आकाश को भी बोलते हैं और जमीन से ऊपर का जितना हिस्सा उसको अंत लिखे बोलते हैं, यानी अंत लिखे बोलते हैं। अंतरिक्ष बोला गया बाद में जब पाली भाषा से संस्कृत भाषा की गई तो आधे के और खे को छ में बदल दिया, अंत लिखो अंतरिक्ष कर दिया। नए समुद्र मध्य का मतलब है कि समुद्र के मध्य में, यानी कि ना तो आकाश में जमीन के ऊपर और ना समुद्र के मध्य में, यानी कि समुद्र की गहराई में बीच में। नए पब तानंग का मतलब है ना ही पर्वत को, विवर माने होता है जो आपने देखा ना, जाके पैर ना फटी विवाई वो का जाने प्रीत पराई, विवाई जो होता है वो पाली का शब्द है, विवर बोलते हैं उसको, विवर माने जो दर्रे होते हैं, जो बीच में दरारें होती हैं उनको विवर बोलते हैं। तो विवर यानी कि जो विवर है, अगर कोई पहाड़ में विवर के अंदर भी प्रवेश कर जाए तो भी क्या ना है। न विजति सो, यानी न विजति का मतलब है नहीं है विद्यमान, सो माने ऐसा, यानी ऐसा कोई जगह विद्यमान नहीं है। जगती पदेशो का मतलब है जगत के प्रदेश में, पृथ्वी के प्रदेश में, दुनिया के प्रदेशों में कोई ऐसी जगह नहीं है। यत ठितो मुच्चे पाप कम्मा, यत ठितो का मतलब जहां है क्या है स्थापित, मुच्चे पाप कम्मा यानी पाप कम की मुक्ति हो जाए या करे, जहां जाके वो पाप कम से छुप सके, यानी कि दुनिया में पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह नहीं है प्रदेश में, चाहे तो कोई समुद्र के बीच में चला जाए, चाहे कोई पहाड़ों के बीच में दर्रे में जाके छुप जाए, चाहे कोई किसी भी ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष है वहां चला जाए, आकाश में चला जाए, पाप कर्म अगर किया है तो उससे मुक्ति नहीं है। पाप कर्म का तो फल आएगा ही, पाप कर्म का तो फल मिलेगा ही, क्योंकि उन्होंने वहां चर्चा की तो चर्चा में कहानी ये कहती है बाद में कि वो जो कौवा था जो जला है, वो कौवे ने कोई पाप किया था पहले, किसी को जलाया था इसलिए उसको वो मिला। तो जो औरत थी उसने किसी को डुबा के मारा था इसलिए उसको डुबा के मारा गया, और वो जो छिपकली थी जिसको उन्होंने बंद किया इसलिए उनको 7 दिन बंद होना पड़ा। ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी, पोस्टर भी देखे होंगे, स्वर्ग के नरक के, जैसे वो तैसा के आरी से काटता हुआ आदमी है या तेल के कुएं में खुलाता हुआ, ये मन मस्तक में आती हैं। ये इसलिए आती हैं क्योंकि ये बुद्ध की उस जो पद्धति है, जो बुद्ध का ज्ञान है, जो बुद्ध ने बताया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, जैसा पाप करेगा वैसा पाप का फल मिलेगा, और जैसा पुण्य करेगा वैसा पुण्य का फल मिलेगा, मिलेगा जरूर, चाहे अभी मिले, कुछ समय बाद मिले या बाद में मिले। उसी के तहत में ये बात बताई और ये भगवान बुद्ध ने गाथा कही कि कहीं भी जाके कोई चला जाए पाप कर्म करने के बाद में, पाप कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो फल जरूर देगा, आएगा जरूर। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.